वेलकम टू कंपटीशन गुरु चंडीगढ़। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमने फर्स्ट पार्ट में जो है एचपीपीएससी पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसका पार्ट फर्स्ट जो है सॉल्व किया था, जिसमें हमने फर्स्ट 40 क्वेश्चन जो है फिजिक्स के सॉल्व किए थे। आइए चलिए, अब हम नेक्स्ट जो 40 क्वेश्चन और बचते हैं वो सेकेंड पार्ट में जो है उन्हें करते हैं। चलिए देखिएगा, 41 क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है उसे देखिएगा। एज कम्पेयर टू एन एलईडी, द डिस्टिंक्ट एडवांटेज ऑफ एन एलसीडी डिस्प्लेड इज रिक्वायर्स। तो जितनी भी एलसीडी है उसको डिस्प्ले करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, देखना। नो इल्यूमिनेशन, एक्सट्रीमली लो पावर, या फिर फॉरवर्ड वेज, या नो फॉरवर्ड वेज। एलईडी के कंपैरिजन जो है, एलसीडी के कंपैरिजन में जो एलईडी है वो कम पावर जो है वो यूज करती है फॉर द डिस्प्ले जो है रिक्वायर करने के लिए, करने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास में सेकंड ऑप्शन जो है वो रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे देखते हैं, वो आपके पास में क्या है। अ सोलर सेल इज ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। देखो सोलर सेल कैसे काम करता है। जिस तरीके से प्लांट्स में जो है लीव्स होती है, लीव्स क्या करती है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती है, उसी तरीके से सोलर सेल भी क्या करते हैं, सोलर लाइट को एब्जॉर्ब करके जो है आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस फर्दर करते हैं। उनको बोला जाता है फोटो वोल्टेनिक एक्शन जो है वो कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे देखते हैं, वो आपके पास में क्या है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ द वैल्यूज ऑफ 10.002। तो इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो आपने बताना है। तो इसमें टोटल है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो इसमें काउंट होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है उसे देखते हैं, वो आपके पास में। अ हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर्स कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ पावर, इलेक्ट्रिक करंट, डिस्प्लेसमेंट, या ऑल ऑफ दिस। तो हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर्स जो है वो सभी के लिए, जैसे पावर के लिए भी यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए भी यूज किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास में क्या होगा, ऑल ऑफ दिस जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखना है आपने। इंटीग्रेटर, द फीडबैक एलिमेंट इज। तो एक इंटीग्रेटर जो है, अगर मैं उसको ओपेम के थ्रू बनाऊं तो वो मेरे पास इस तरीके से बनेगा। इंटीग्रेटर में क्या होता है, आपका कैपेसिटर जो है वो पैरेलल टू द सर्किट जो है वो लगता है इनपुट के, ठीक है। इसमें क्या होता है, फीडबैक एलिमेंट जो है वो क्या होता है आपके पास में, कैपेसिटर जो है वो बनता है। और यही कैपेसिटर जो है अगर सीरीज में आगे इनपुट में आ जाए और रेजिस्टर जो है ऊपर आ जाए तो वो डिफरेंशिएटर आपके पास में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखना। द फॉलोइंग सर्किट इज यूज्ड एज। अब ये फॉलोइंग सर्किट जो यूज है ये आपका हाई पास फिल्टर के नाम से बोला जाता है, और हाई पास फिल्टर को बोला जाता है डिफरेंट। तो ये डिफरेंशिएटर का जो है वो सर्किट है। तो बोथ क्वेश्चन आपके इंटीग्रेटर एज वेल एज डिफरेंशिएटर दोनों से जो है वो आ रखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उससे देखना, वो तो आपके पास में क्या है। विच वन 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 ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट नेसेसरी अप्लाई फॉर द ओपेम। तो ओपेम के लिए क्या है, हाई गेन, बिल्कुल बात है, तभी ओपेम काम करता है। लो पावर, चलो इसे देखते हैं। हाई इनपुट इंपीडेंस, ये ओपेम की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर ये काम करता है। और लो आउटपुट इंपीडेंस, अगर हाई इनपुट होगी तो आउटपुट इंपीडेंस क्या होगा, लो, ऑब्वियसली बात है, ये वाइस वर्स है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो नहीं है वो है आपके पास में लो पावर। हमेशा हम ओपेम को क्या हाई पावर देते हैं ताकि वो हाई इनपुट इंपीडेंस रोके और लो आउटपुट इंपीडेंस जो है वो प्रोवाइड करवाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। गिव्स पोटेंशियल, गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू एच माइनस टी ऑफ एस, ठीक है। और एंथैल्पी आपके पास में किसके इक्वल होते हैं, यू प्लस पी वी के इक्वल। तो जी कितना आ गया आपके पास में, यू प्लस पी वी माइनस टी एस इक्वल जो है वो आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास में क्या है, यू प्लस पी वी माइनस टी ऑफ एस, ये आपके पास में करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे देखते हैं। द मोस्ट प्रोबेबल विलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर विलोसिटी आर रिलेटेड बाय। तो मोस्ट प्रोबेबल विलोसिटी आपके पास में कितनी होती है, देखो अंडर रूट 2 KT/m, एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी होती है, होती है अंडर रूट 3 KT/m। वो किसके इक्वल दी है, सी के इक्वल। तो क्या करो, मोस्ट प्रोबेबल को चेंज कर दो आप किसमें, इस फॉर्म में, एक 2 से इसको मल्टीप्लाई करने का करना पड़ेगा अंडरग्राउंड, और 3 से ऊपर, अंदर अगर 3 से किया तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा आपके पास में, KT/m। इस जब मैं इसको भी रूट में लेके आऊंगा अंदर तो वो कितना बन जाएगा आपके पास में, अप्रोक्सीमेटली 2 को बाहर ले लो वो कितना आ जाएगा 4। तो ये आपके पास में आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2, और रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से उस साइड मल्टीप्लाई किया, तो
अप्रोक्सीमेटली आपके पास में कितना आंसर बन जाएगा, 2/3 बाहर आ जाएगा, आपके पास में 3 KT/m जो है यहाँ बच जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2/3 क्या बात है रूट इन, ये मोस्ट प्रोबेबल जो है रूट मीन स्क्वायर के इक्वल बनती है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, वो आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे देखते हैं। तो आपके पास में क्या है, द एफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल हीट इंजन परफॉर्मिंग फॉर दिस साइकिल इज, देखो साइकिल आपके पास में कौन सा गिवन है, ये यहाँ प्रेशर यहाँ से क्या होता है 2 टाइम्स बढ़ रहा है, ठीक है, और यहाँ से वॉल्यूम जो है वो 2 टाइम्स बढ़ रहा है, इसकी एफिशिएंसी क्या होगी अप्रोक्सीमेटली 1.6 जो है वो आपके पास में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है आपके पास में ये है, कैनोनिकल असेंबल इज रिलेटेड टू, अब एक कैनोनिकल असेंबल होता है उसमें क्या होता है, एक ऐसा असेंबल होता है जिसमें पार्टिकल जो है थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर रहे, उसको हम कंसिडर करते हैं कैनोनिकल असेंबल, ये वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट रहेगा कैनोनिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे देखते हैं, वो आपके पास में कितनी है, द ट्रांजिशन ऑफ हीलियम 4 फ्रॉम द नॉर्मल लिक्विड स्टेट टू द सुपर फ्लूड लिक्विड स्टेट इज गिवन बाय, अब हीलियम 4 जो है वो आपके पास में कहाँ होता है, वो आइंस्टीन कंडेंसेशन में जो है काम करेगा। ठीक है, लो टेम्परेचर पे काम करता है, लो टेम्परेचर पे क्या है आपकी वो आइंस्टीन स्टेटिस्टिक्स जो है वो यूज होती है, ठीक है, विदाउट स्पिन, तो यहाँ पे वो काम होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन क्या हुई, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाए विदाउट जंपिंग एनी स्टेट, जैसे सॉलिड से लिक्विड में जाएगा या फिर लिक्विड से सॉलिड में जाएगा या फिर जो है इस तरीके से, तो आपके पास में क्या है, वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, पैरामैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक, सुपर कंडक्टिंग या नॉर्मल लिक्विड ऑफ द हीलियम, तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन रहेगा, देखना इसको किस तरीके से हम काम करेंगे इसमें, तो इसमें सिर्फ ओनली एक ऐसा चीज है वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड एट अ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वो आपके क्या है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, बाकी सब में क्या हो रहा है स्पिन चेंज हो रही है। नेक्स्ट जो है वो आपके पास में क्या है, द फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन का फिनोमिना जो है वो किस में आता है आपके पास में, फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन जो है वो सिर्फ लिक्विड में आता है, सॉलिड में आता है या फिर गैसियस में आता है, तो डिफ्यूजन जो है वो किसी भी स्टेट में हो सकता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस ये किसी स्टेट में भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे देखते हैं, वो आपके पास में क्या है, सपोज द टेम्परेचर ऑफ सन गोज डाउन बाय अ फैक्टर ऑफ 2, देन द टोटल पावर एमिटेड बाय द सन गोज डाउन फ्रॉम, तो पावर का फॉर्मूला जो टेम्परेचर के साथ रिलेट करता है वो क्या है, टी की पावर 4, तो कितना टेम्परेचर डाउन करेगा, 1/2 की पावर 4 इंटू टी की पावर 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/16 टू टी की पावर 4, 16 टाइम्स जो है उसका पावर जो है आपका क्या होगा, टोटल एमिटेड इफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन आपके पास। चलिए नेक्स्ट जो है वो आपके पास में ये, तो एक्सप्रेशन जाई स्टार जाई, इसको लिखने का तरीका आपके पास में ये भी होता है, स्क्वायर को हम लिखने का मतलब होता है इसके कंजुगेट को इसके फंक्शन के नॉर्मलाइजेशन के साथ करना, ये क्या होता है आपका पोजीशन के लिए, तो पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है ये बताता है, ठीक है, इसको इस तरीके से काउंट करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास में वेव फंक्शन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, ग्राउंड स्टेट ऑफ वेव फंक्शन आपके पास में गिवन है जाई इक्वल टू ए ई की पावर आर अपॉन ए, ये गिवन है, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लिखूंगा तो मैं किस तरीके से लिखूंगा, जाई इंटू ए ई की पावर आर बाय ए, इस तरीके से लिखूंगा, अब जाई स्टार जाई जब मैं इसमें कैलकुलेट करूंगा तो मैं किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा, इसमें लगेगा देखो 0 to infinity, 0 to 2π, 0 to π ए स्क्वायर इंटू जाई स्टार जाई को अगर मैं लिखूं तो वो किस तरीके से होगा, जाई स्टार जाई इंटू डी ओमेगा, अब इस डी ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा एंड डी पाई, ये आपके पास में रहेगा। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आपके पास में क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है किसी भी फंक्शन का नॉर्मलाइज करना उसकी वैल्यू क्या है इक्वल टू 1 करना, ये आपके पास, तो जब इसमें आप ए स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो ए की वैल्यू आपके पास में √π a³ के अराउंड वो बनेगी, बस इसमें ध्यान रखना सिंपल नॉर्मलाइजेशन में हम सीधा dx dy dz ले लेते हैं, हाइड्रोजन एटम जो है वो आपका 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम करता है, और 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जो है स्पेसिफिकली इसमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं, जिसमें ये वाला फैक्टर लगाना कभी मत भूलना, आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी डी थीटा एंड डी फाई, इसमें क्या आएगा 1/π a
क्यूब अंडर रूट जो है आपके पास में आंसर बन जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसे देखना आपने, वो आपके पास में क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिनोमिना इलस्ट्रेट द पार्टिकल एक्सेप्ट्स टू द वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। तो वेव पार्टिकल ड्यूलिटी जो है वो हमें किसने बताया था, सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट। तो दो इफेक्ट ऐसे हैं जिसमें हमने पार्टिकल के वेव और लाइट का वेव एंड पार्टिकल फिनोमिना जो है स्टडी किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है करेक्ट ऑप्शन आपके पास में रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखना, वो क्या है आपके पास में। फॉर द रिजिड स्फीयर ऑफ अ रेडियस ए द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी। तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एट हाई एनर्जी पे आपके पास में सिर्फ एक रिजिड स्फीयर के लिए कितना होता है, 2πa² के अराउंड जो है वो बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है वो आपके पास में डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास में ये द अनसर्टेनिटी रिलेशन अप्लाइज फॉर द अनसर्टेनिटी रिलेशन मेरे पास क्या होता है। जैसे देखो अनसर्टेनिटी इन हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई टू। इसका मतलब है आपके पास में एक्स और पी एक्स दो कोऑर्डिनेट तो है, अब जरूरी नहीं है ये एक्स और पी एक्स के लिए ही हो, ये आपके पास में ई डॉट टी के लिए भी होता है एच कट बाई टू। उसी तरीके से रेडियल और एंगुलर मोमेंटम के बीच में भी होता है एच कट बाई टू। तो यहां से ये ऑप्शन तो है कैंसिल हो गया, एनी पेयर के लिए नहीं होता ये। ठीक है, अब आपके लिए क्या होता है कम्यूट। देखो कम्यूट का मतलब होता है इनका वैल्यू प्रोडक्ट के वैल्यू क्या होने से कम्यूटेटर की जीरो, बट जीरो नहीं आ रही, तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास में रहेगा, जिसमें ये कम्यूट जो है एक दूसरे के साथ नहीं करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखना, द स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू द एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। अब देखो अगर ट्रिपलेट स्टेट होती है तो इस तरीके से बनती है, मतलब बीच में एक स्टेट, इसके अराउंड जो है आपके पास में दो स्टेट्स जो है नॉर्मल एक दूसरे के, तो इसको इवन फंक्शन बोलते हैं। ये आपके पास में क्या हुआ सिमेट्रिक, और सिंगल स्टेट के अराउंड जो है वो कुछ नहीं होता, तो ये कौन सी होती है एंट्री, आपकी एंटी सिमेट्रिक जो है स्टेट जो है वो बनती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास में वो रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे देखना, फॉर अ स्फेरिकल सिमेट्रिक प्रोबेबिलिटी क्लाउड फॉर एन इलेक्ट्रॉन हैज। देखो स्फेरिकली सिमेट्रिक है, फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिक के लिए आपके पास में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है वो क्या होगी, हमेशा जीरो होगी। एन तो आएगा ही आएगा, एन इक्वल टू वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, बट एल की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, हमेशा ही जीरो रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखना, इफ द मोशन ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम, इफ टू पार्टिकल्स आर कनेक्टेड बाय अ रिजिड वेटलेस रॉड द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो वेटलेस रॉड से इसको अटैच किया है, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो आपके पास में कितना होगा, सिक्स जो है वो आपके पास में करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें कितना रहेगा, सिक्स जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा। ठीक है, क्योंकि मोनोटॉमिक पार्टिकल्स के लिए फाइव होता है, प्लस एक कॉन्स्टेंट जो है वो सिंगल लाइन की वजह से भी ऐड हो जाएगा, तो आपके पास में वो एक ऐड हो जाएगा। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल व्हेन इट्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इक्वल टू रेस्ट मास ऑफ एनर्जी, क्या काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, रेस्ट मास एनर्जी क्या होती है, एम नॉट सी स्क्वायर। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एम सी स्क्वायर जो है वो आप क्या लिखोगे, एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये फैक्टर आपके पास में आ जाएगा। तो जब आपने ये फैक्टर ले आए, यहाँ पे क्या होगा, एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू टू एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, एम नॉट से एम नॉट कैंसिल, ये आपके पास में कितना आ गया, वन अपॉन फोर इक्वल टू वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहां से वी स्केयर अपॉन सी स्केयर किसके इक्वल निकला, 3/4, विच इंप्लाइज वी जो है आपके पास में कितना निकला, अंडर रूट 3/4 टाइम सी, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 टाइम्स ऑफ सी, ये जो है आपके पास में करेक्ट ऑप्शन है, अंडर रूट 3/2 टाइम्स ऑफ सी, तो ये आपके पास में क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखना आप, वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल एक्सपीरियंस अ कोरलस फोर्स। तो कोरलस फोर्स कौन सा पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा, जो चलता हुआ है या फिर जो ठहरा हुआ दिखता है। तो जो रेस्ट पे होता है पार्टिकल वो एक्सपीरियंस करता है आपका क्या, कोरलस फोर्स। जो तो मोशन में होता है वो तो फोर्स के अकॉर्डिंग चलता जाएगा, उससे तो फील ही नहीं होगा कि कोरलस फोर्स जो है वो लग भी रही है उस पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखना, अ क्यूब एज हैज एस एंड मास एम सस्पेंडेड वर्टिकली एट कॉर्नर, द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज। एक कॉर्नर के साथ अटैच है क्यूब मेरे पास, जिसकी लेंथ जो है वो क्या है आपके पास में, ठीक है, एस, और सिंपल पेंडुलम आपके पास में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है
वो आपके पास में क्या बनेगा, 2√3 एस के अराउंड जो वो बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखना आपने। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर मोशन ऑफ अ ओरिजिन अंडर द एक्शन ऑफ अ सेंट्रल फोर्स। तो देखो इसमें सेंट्रल फोर्स आपके पास में कितने दिया, माइनस के आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, इसके अराउंड दिए। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है आपने, तो पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से निकालोगे, इसका क्या करोगे आप इंटीग्रेशन, तो वहां से आपको माइनस के अपॉन टू आर स्क्वायर जो है वो आपके पास में बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो है करेक्ट ऑप्शन जो है वो रहेगा। चलिए इंटीग्रेशन करना है इसके सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, फॉर विच स्कैटरिंग एंगल द इक्वल मास रिक्वायर टेक द होल इंसिडेंट ऑफ एनर्जी। तो इक्वल मास के लिए आपके पास में कितनी एनर्जी जो है वो चाहिए होती है देखना। तो इसमें क्या है, स्कैटरिंग एंगल देखो, स्कैटरिंग एंगल और रिक्वायर एंगल के बीच में हमेशा 90° का चाहिए होता है, तब ही ये काम किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो आपने ये डायग्राम पढ़ा होगा कॉम्पटन स्कैटर में भी, कि आपके पास में स्कैटरिंग पाथ होता है, ये आपके पास में रिक्वायर पाथ होता है, इनके बीच में जो रिलेशन होता है 90° का ही होता है, तभी आपके पास में क्या है ये इक्वल मास के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इफ द मासेज आर डिफरेंट, देखो अगर इसका मासेज डिफरेंट होता तो एंगल 90° कभी नहीं बनता, वो हमेशा इससे ज्यादा या इससे छोटा ही बनेगा। ठीक है, इक्वल मासेज जो लिखा है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंगली आपके पास में ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए नेक्स्ट जो है वो आपके पास में ही, इफ एच इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ अ मोशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी कॉमा एच एंड एच। ये कॉमेंटेटर का क्वेश्चन है, पी कॉमा एच आपके पास में क्या होता है पी डॉट, और अगर पी डॉट कॉमा एच आपके साथ में करूँ वो क्या होगा पी डबल डॉट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा पी डबल डॉट जो है करेक्ट ऑप्शन, इनका आपके पास में करेक्ट ऑप्शन ये है P डबल डॉट जो है वो आपके पास में करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखना आपने, वो क्या है वो भी इसी की तरह है, इफ कम्यूटेटर ऑफ x कॉमा h इक्वल टू जीरो एंड कम्यूटेटर ऑफ y कॉमा h इक्वल टू जीरो। तो अगर इन दोनों का कम्यूटेटर जीरो है मतलब ये आपस में भी कम्यूटेटर क्या बनाएंगे जीरो, तो जीरो का कम्यूटेटर आपको क्या होता है वो भी जीरो ही बनता है। ठीक है, तो ये आपके पास में करेक्ट ऑप्शन रहे। चलिए नेक्स्ट आपके पास में है वो है, इफ मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल मॉडिफिकेशन विल बी मॉडिफाइड। तो मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है वो कि कौन सी मैक्सवेल की इक्वेशन बताती है, डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ बी जो है जीरो नहीं होएगा, वो इक्वेशन आपको चेंज करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टिंग मीडियम। कंडक्टिंग मीडियम में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो फेज डिफरेंस है वो हमेशा जीरो रहता है, क्यों, क्योंकि इसमें कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी भी होती रहती है, तो जैसे जैसे फील्ड चेंज होती है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी जो है कंडक्टर में चेंज होती रहती है, तो इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस जो है वो नहीं रहता। फिर नेक्स्ट आपके पास में, अ प्लेन पोलराइज मोनोक्रोमेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग ब्रिविस्टर एंगल राइज टू द इंसिडेंट ऑन अ प्लेन ब्रिविस्टर एंगल विच गिव राइज टू द रिफ्लेक्टिव वेव विच इज गिवन बाय। तो ये आपके पास में किसके जो है गिवन है आपके पास में, दोनों ब्रिविस्टर एंगल, तो ब्रिविस्टर एंगल आपके पास में प्लेन पोलराइज्ड परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस जो है वो आपके पास में रहता है। चलिए नेक्स्ट आपके पास में, द मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल ऑफ द पार्टिकल एट जेड एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप। देखो पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो सर्कुलर लूप के अकॉर्डिंग जो आपके मैग्नेटिक जो स्केलर पोटेंशियल जो है वो आपने निकालना है, तो वो क्या होता है डिफरेंशिएशन कर दो सर्कुलर लूप के, वहां से आपके पास में करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन जो है वो रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, द पावर रेडिएटेड बाय इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई की पावर 4। ये आपके पास में इस तरीके से ओमेगा की पावर 4 के बीच में रिलेशन रहता है, पावर और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आपके पास में ये होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास में, अ ट्रांजिशन लाइन whose characteristics impedance is a pure resistance. तो pure resistance अगर आपके पास में ये है तो ये किस तरीके से काम करता है आपके पास में, तो ये जो है आपके पास में must be a distortionless line जो है वो आपके पास में रहेगी। ठीक है, चलिए next question जो ये आपके पास में, cut off frequencies of TE0 mode for a standard rectangular wave will be। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला आपके पास में क्या होता है, एम बाई ए प्लस एन बाई ए का होल, यहाँ पे ये जीरो है, ये आपके पास में किसके इक्वल आ जाएगा 2/a के अराउंड जो है वो आपके पास में बन जाएगा। ठीक है, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपके पास में,
बाई ए के अराउंड जो है वो बन जाएगी। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, ये फॉर्मूला आपके पास में यूज होके ए जो है करेक्ट ऑप्शन जो बन जाएगा, क्योंकि रूट भी है तो ये आपके पास में करेक्ट ऑप्शन बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, इन अ सर्कुलर वेव गाइड द रेडियस द डोमिनेंट मोड इज, तो डोमिनेंट मोड जो है वो किसका होता है, टी वन ई ट्रांसवर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो आपके पास में डोमिनेंट मोड जो है वो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखना आपने, द वेक्टर पोटेंशियल ऑफ अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन सोलेनॉइड विद एन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ यूनिट लेंथ, एन नंबर ऑफ अ यूनिट लेंथ के अकॉर्डिंग जो है आपके पास में म्यू नॉट एन आई अपॉन टू आर इंटू फाइव वेक्टर जो है ये रहेगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है उसे देखते हैं, वो आपके पास में द एनर्जी ऑफ ई एम वेव इन अ वैक्यूम, एनर्जी ऑफ ई एम वेव जो है वो बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होएगा टोटल एनर्जी, ठीक है, तो क्या होगा हाफ ई नॉट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट जो आपके पास में वही करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो ये थे आपके पास में फिजिक्स के क्वेश्चन जो हमने पार्ट वन और पार्ट टू में जो है वो किए। अगर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज जो है वो परचेज करना है फॉर पीजीटी फिजिक्स, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब कोई भी स्टडी मटेरियल बाय करना हो या टेस्ट सीरीज बाय करनी हो, फिर भी आप इस स्क्रीन के नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।